नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और आइए नजर डाल लेते हैं छिंदवाड़ा से जुड़ी आज की प्रमुख खबरों पर। विधानसभा निर्वाचन 2018 में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के व्यवस्थीकरण और वितरण का काम आज कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में शुरू हुआ। इस दौरान कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी वेद प्रकाश ने ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के व्यवस्थीकरण और वितरण कार्य का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी कविता बाटला और नोडल अधिकारी ईवीएम और वीवीपैट अजीत तिर्की भी उपस्थित रहे। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए आबकारी महकमे ने जिला निर्वाचन अधिकारी वेद प्रकाश के निर्देश पर बॉर्डर पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। छिंदवाड़ा बैतूल की बॉर्डर पर सफल संयुक्त कार्रवाई के बाद आबकारी महकमे ने मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा पर प्रभावी कार्रवाई की। इस दौरान कुल 1800 किलो महुआ लाहन और 45 लीटर शराब जब्त हुई, जबकि एक आरोपी शराब बनाते हुए मौके से गिरफ्तार हुआ। डीओ दीपम रायचुरा के मार्गदर्शन में पांडुर्ना वृत्त प्रभारी आकाश मेश्राम ने पांडुर्ना और अमरावती जिले की सीमा पर स्थित वर्धा नदी के किनारों पर सघन जांच अभियान छेड़ा। इस दौरान वर्धा नदी के किनारे पर प्रकाश उइके शराब बनाते मिला, जिसके कब्जे से 15 लीटर शराब बरामद कर प्रकरण कायम किया गया है। इसके अलावा जाटलापुर और हरदौली में भी चार अलग अलग स्थानों से कुल 1800 किलो महुआ लाहन और 30 लीटर शराब बरामद हुई। लवाना डैम के किनारों पर भी तस्करों ने जगह जगह महुआ लाहन छुपा रखा था, जिसे आबकारी अमले ने विधिवत नष्ट किया। इस कार्रवाई के दौरान आबकारी आरक्षक अमृत राव खपसे भी मौजूद थे। विभिन्न न्यायालयों में आबकारी अधिनियम के अंतर्गत जो प्रकरण निराकृत हुए हैं, उसमें जब्त मदिरा का आज SDM छिंदवाड़ा अतुल सिंह सर और DSP ट्रैफिक सिंह सर के अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा विधिवत निराकरण किया गया है। इसमें कुल 2400 बल्क लीटर मदिरा की जिसका व्यवस्थीकरण किया है और वर्तमान में इसका बाजार मूल्य लगभग 11,55,000 रुपये। सोमवार रात लगभग 10 बजे के आसपास पाटनी पेट्रोल पंप के पास हुई घटना, जिसमें पल्सर 220 में आग लग गई। वाहन मालिक अमर माहिल ने बताया कि वह अपनी नई गाड़ी सुनील स्कूटर से सर्विस करवाकर पेट्रोल डलवाने पेट्रोल पंप गया था और उन्होंने बाइक का फुल टैंक कराया और सर्विस खराब होने की वजह से पेट्रोल लीक होने लगा। पेट्रोल लीक होने के कारण बैटरी साइड में आग लगी। वो तो अच्छा हुआ कि पंप के कर्मचारियों द्वारा आग पर काबू कर लिया गया, जिसमें एक बड़ी घटना होते होते बची और किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। शहर में यातायात नियमों को ताक पर रखकर गाड़ी चलाने वालों की खैर नहीं है। यातायात पुलिस ने वैसे तो कई दिन पहले ही चौराहों में CCTV कैमरे लगा दिए थे, लेकिन इसके माध्यम से कभी कोई चालान नहीं बना। लेकिन अब यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों पर चालानी कार्रवाई हो रही है। CCTV में लगे कैमरे के आधार पर अब चालान घर पहुंच रहे हैं। पिछले 2 दिनों में लगभग 20 चालान नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के घर पहुंचे हैं, जिनमें 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। जिला प्रशासन अपने मजदूरों के लिए कितना संवेदनशील है, इसका अंदाजा इस वीडियो से लगाया जा सकता है। जिला उद्योग कार्यालय के सामने पानी की पाइप लाइन सुधारने का काम मजदूर बिना किसी सुरक्षा के कर रहे हैं, लेकिन इस ओर ना ही प्रशासन का ध्यान जा रहा है और ना ही इनसे काम करा रहे ठेकेदारों का। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए EMS TV। नमस्कार।